जय श्री कृष्ण। दोस्तों मेरे YouTube चैनल सृष्टि ज्ञान में आप सबका स्वागत है। दोस्तों जन्म कुंडली अध्ययन का सिलसिला जारी है, कल आ नहीं पाया था इसलिए क्षमा। चलो एक और जन्म कुंडली का हम अध्ययन करते हैं। ये जो जन्म कुंडली है ये मुकेश जी की है जो जयपुर से हैं। तो मुकेश जी आप अपनी जो बर्थ डिटेल दी है उसका मिलान कीजिए। 5/10/1983 इवनिंग के 6:15 समय है जयपुर बर्थ पैलेस। नौकरी या बिजनेस के बारे में आपने पूछा है और आपने कहा था कि दुकान आदि भी शुरू की थी पर वो चल नहीं पाई। तो देखते हैं आपकी कुंडली का हाल। मीन लग्न है आपका गुरु जिसके स्वामी होते हैं, अपने से नवम स्थान वृश्चिक राशि में केतु के साथ युति बनाकर विराजमान है। तो नवम भाव में बलि होते हैं, वृश्चिक राशि में है, मित्र की राशि में है, केतु के साथ है, तो केतु धार्मिक ग्रह है, धर्म कर्म वाला ग्रह है, अच्छा फल देता है। तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। राहु तीसरे में बैठा है वृषभ राशि में, तीसरे में राहु अद्भुत देता है, पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छा देता है। यदि आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। व्यापार के मामले में भी ये बहुत अच्छा देता है। सूर्य चंद्र बुध एक साथ बैठे हैं सप्तम भाव में कन्या राशि में, जहां बुध उच्च का है, तो व्यापार आपके लिए अद्भुत रहेगा, विलक्षण रहेगा। सूर्य चंद्रमा की युति मैंने बताया था अमावस दोष है तो ये थोड़ा पीड़ा अवश्य देती है। सायकाल का जन्म है आपका तो सूर्य थोड़ा पीड़ित हो जाते हैं और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी सायकाल का जन्म है तो चंद्रमा भी निर्बल है। तो माता पिता की जितनी हो सके सेवा कीजिए, दवा के माँ की सेवा कीजिए। माँ को चिंता नहीं होनी चाहिए। अगर माँ आपकी परेशान है किसी भी तरीके से तो व्यापार चलने नहीं पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। माँ की सेवा कीजिए दवा के। बात करें शनि उच्च के अष्टम भाव में, दसम दसवां और ग्यारहवां राशि जो है वो इनकी होती है कुंभ और मकर। विदेश भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में, मतलब परमानेंट विदेश भाव में बैठे हुए हैं, तो यदि आप सही तरीके से बिजनेस में लग गए तो आप विदेश में भी अपना परचम लहरा सकते हैं। लग्न आपका 21 डिग्री का है तो मजबूत लग्न है आपका, तो आपको जो चीज है वो आपको मिलेगी। सूर्य के नक्षत्र में आपने जन्म लिया है, राहु की दशा 8/12/2020 तक और उसमें मंगल की दशा 8/12/2020 तक अंतिम चरण चल रहा है आपका, आपको बहुत कुछ मिल जाता लेकिन राहु थोड़ा सा क्या है भ्रमित ग्रह है, पूजा पाठ करने नहीं देता, अपने मनमानी करने देता है, घर वालों से थोड़े से अलग हो जाते हैं, लेकिन ये बिजनेस फील्ड में बहुत अच्छा देता था। लेकिन अगर सही मार्गदर्शन पहले मिल जाता तो राहु गलत डिसीजन दिलवा देता है, इसकी वजह से आपको कोई ना कोई हानि धन हानि अवश्य हुई होगी। लेकिन अब ये लास्ट चरण है, इसका फायदा उठा लेना चाहिए आपको। तो स्ट्रेटेजी बनाइए आप बिजनेस के लिए तो ये आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। अभी उच्च का है, सितंबर तक फायदा उठाइए। इसके बाद गुरु की दशा चलेगी 8/12/2036 तक, वो भी आपके लिए अद्भुत रहेगी, विलक्षण रहेगी। तो आपको करना क्या है, गोमूत्र का सेवन कीजिए, बड़ों का आशीर्वाद, गोमूत्र को अपने जीवन में धारण कीजिए, खाने पीने की चीजों में भी गोमूत्र को आप मिलाइए, पूरे परिवार को आप स्वयं गोमूत्र से झाड़ू पोछा कीजिए, फिर देखिए आप विलक्षण अद्भुत। माँ की सेवा, बड़ों का आशीर्वाद जितना हो सके दबा के लीजिए, नखून कटे हुए होने चाहिए, बाल सही होने चाहिए, वस्त्र वेशभूषा जूते चप्पल जो भी आप पहनते हो सही होनी चाहिए, सिस्टमेटिक होनी चाहिए, बिस्तर साफ सुथरे
सूर्योदय से पूर्व उठने की आदत डाल के बिस्तरों को तय करके रखिए, गौमूत्र की छिड़काव करिए, फिर देखिए नेगेटिविटी आपके घर से दूर हो जाएगी। मैंने वीडियो डाल रखा है नेगेटिव एनर्जी कैसे कम करें घर से। सप्तम भाव व्यापार का माना जाता है, जहां बुध उच्च के होकर बैठे हैं, दिग्बली होकर बैठे हैं, चंद्रमा के साथ बैठे हैं, तो माँ की सेवा तो आपको करनी ही है। पत्नी को शुक्रवार वाले दिन या बुधवार वाले दिन कोई ना कोई उपहार अवश्य दीजिए। लक्ष्मी माता को खीर का भोग लगाइए, गाय के दूध की बनी खीर का भोग लगाइए, फिर देखिए आप चमत्कार। सोने का पुलिस किया हुआ या सोने अगर आप सक्षम हैं तो सोने का कड़ा दाहिने हाथ में धारण कीजिए गुरुवार वाले दिन। कड़ा पहन सकते हैं, चैन हो तो चैन पहन सकते हैं, अंगूठी हो तो अंगूठी पहन सकते हैं। गणेश जी के व्रत रखिए शुक्ल पक्ष में बुधवार में, संकल्प लेकर मंदिर में जाकर गणेश जी को दो लड्डुओं का भोग लगाइए, दुर्वा अर्पित कीजिए उनको 21 या 11 टुकड़े दुर्वा के, और व्रत कथा कीजिए, छोटे बच्चों को कुछ ना कुछ उपहार अवश्य दीजिए, फिर देखिए आपका बिजनेस कहां से कहां पहुंचता है। तो ये था आपकी जन्म कुंडली का हाल। हाँ, यदि आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आप स्कूल अद्भुत रहेगी आपके लिए, कंसल्टेंसी का काम आपके लिए अच्छा रहेगा, पढ़ाई अगर आप कर पाते कर ली होती तो ज्यूडिशरी का काम भी बहुत अच्छा था। तो ये चीज आप कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पीली चीजों का सेवन आप कीजिए। राहु की दशा है तो कुत्ते को रोटी डालिए, गाय माता को दूध में काले तिल मिलाकर खिलाइए, इससे जो आपके भाग्य में जो बाधा आ रही है वो दूर हो जाएगी। बस फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री कृष्णा श्री राधे।